14 जुलाई को लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो तैरास्ते से चांद को छूने निकल पड़ा है। इसरो ने एक ट्वीट कर चंद्रयान के मौजूदा लोकेशन के बारे में बताया है। वह फिलहाल अंडाकार ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने एक फोटो भी शेयर किया है। इसमें चंद्रयान के बाद के बारे में जानकारी दी गई है। वो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अलग अलग अंडाकार में चक्कर लगाने के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर चांद के अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटने के बाद चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया है कि चंद्रयान सामान्य स्थिति में फर्स्ट ऑर्बिट ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। अंतरिक्ष यान अब 41,762 किलोमीटर भी 173 किलोमीटर कक्षा में बता देगी। ऑर्बिट ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी यान का एक से दूसरे ऑर्बिट की तरफ बढ़ना। मतलब चंद्रयान अब पहले वाले ऑर्बिट को पार कर दूसरे ऑर्बिट में अपनी आगे की यात्रा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अर्थ ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट से इंसर्शन स्टेट में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा। उसे आगे की तरफ धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर के ऊपरी ऑर्बिट में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को ऑपरेशन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंड रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 120-130 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डीबोस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यही से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि चांद पर सफल लैंडिंग के साथ चंद्रयान 3 एक नया कीर्तिमान रचेगा। बता दें कि 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का कुल बजट करीब 615,000,000 बताया गया है। इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।